स्वास्थ्य विभाग में NHM में कार्यरत संविदा कर्मियों ने भेदभाव मुक्त मानदेय की मांग उठाई है। अपनी उक्त मांग को लेकर NHM कार्मिकों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को 5 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया। CM के नाम जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि NHM में कार्यरत कार्मिकों को 2023 में 5% के वेतन में वृद्धि दी जानी थी, लेकिन आज तक वेतन वृद्धि के आदेश जारी नहीं हुए है, जिससे कार्मिकों में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में बताया गया कि 3 से 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर भी कार्मिकों को 3 व 5% की वेतन वृद्धि दी जाती है, लेकिन वे भी आज तक नहीं मिली है। ज्ञापन में पुराने कार्मिकों का CSR के तहत नियमितीकरण करने की भी मांग की गई है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में NHM कार्मिकों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को शीघ्र ही पूरा करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जितेंद्र कुमार, दिनेश कुमार बोयत, अमित कुमार वैष्णव, नितिन साहू, गिरीश पालीवाल, महेंद्र कुमार शर्मा तथा हरि सिंह आदि शामिल रहे। आज हम समस्त NHM कार्मिक कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हमें 5% इंक्रीमेंट जो 2023 से मिलना था वो आज दिनांक तक लंबित है, अभी तक नहीं मिला है। उसके साथ ही जो कार्मिक 3 साल और 5 साल की सेवा पूरी करते हैं तो उन्हें क्रमशः 10% और 15% इंक्रीमेंट दिया जाता है, लॉयल्टी बोनस दिया जाता है, जो आज दिनांक तक नहीं मिला है। इससे कार्मिकों में रोष है, कार्मिकों के साथ ये अन्याय हो रहा है, इसलिए सभी मिलकर हम आज कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। इसके साथ ही जो हमारे पुराने साथी है उनका CSR में अभी तक लंबित है, उनका CSR में नहीं हुआ है, तो उनको भी CSR में जल्दी से जल्दी लेकर जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए इसके अपन में। नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, डिस्ट्रिक्ट PRTB कोऑर्डिनेटर, TB हॉस्पिटल, ब्यावर।